बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 8.3 मैं आपको सिंप्लीफाई करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। जिन बच्चों ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं जो है वो सीन किया है तो वो प्लीज़ पहले उसे सीन कर लें ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए किस तरह से हमने ग्राफ को प्लॉट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, स्केच द ग्राफ्स ऑफ द स्क्वायर रूट फंक्शंस। अब अपने स्क्वायर रूट फंक्शंस के ग्राफ का स्केच करना है। ऑब्टेन फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब आपके पास जो इक्वेजन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। पहले आपने इक्वेजन को सिंप्लीफाई करना है, देन फिर आपने फंक्शन के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, देन फिर ग्राफ का स्केच करना है। अब यहाँ पर इसका एक ही पार्ट मौजूद है जबकि आपके पास जो है वो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। मे बी टू पार्ट्स होने चाहिए थे क्योंकि बाकी तमाम क्वेश्चंस के टू टू पार्ट्स हैं। खैर इजी है हमारे लिए, तो हम एक पार्ट ही करने के लिए आया है तो आपको सिंप्लीफाई करवाती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब अपने y के इक्वल लेना होता है तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके करेगा माइनस। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये y का स्क्वायर है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जब भी आप रूट लेते हैं आपके पास दो वैल्यूज़ आती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो वाई की वैल्यू स्क्वायर से रूट कैंसिल, प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की दो आपके पास इक्वेजन्स आ गई, एक आ गई वाई इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर और एक आ गई वाई इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेजन 1 कहेंगे, इसे इक्वेजन नंबर 2 कहेंगे। इक्वेजन 1 के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेजन 1 का है। x को प्लेस करेंगे, इसकी मदद से आपके पास f ऑफ x की वैल्यू आएगी तो ये आपके पास हो जाएगा। अब आप x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी वैल्यू पुट करेंगे माइनस की भी तब भी ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन x के बाद में होने की वजह से आपके पास x की वैल्यू जो है वो 25 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे माइनस की वैल्यू पे पुट कर लें, चलें प्लस की भी कर लें। आपने माइनस का किया यहाँ पर 26 पुट किया, ठीक है। माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 का 36 हो गया, 36 तो हो गया अब आपका क्या प्लस का, लेकिन पीछे माइनस साइन है तो 25 माइनस 36 करेंगे तो देखें क्या आएगा आपके पास, माइनस 11 और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा रूट। जब रूट नेगेटिव साइन के साथ अंदर वैल्यू हो तो रूट कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कॉम्प्लेक्स रूट का आपके पास ग्राफ प्लॉट नहीं होता, फंक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू हम प्लॉट कर पुट करेंगे वो आपके पास 1, 2, 5 यानी कि प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 0 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 ये तो हो सकती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 0, ठीक है। इसके बाद 0 पुट करेंगे तो 25 आपके पास आ जाएगी वैल्यू। अगर हम 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो 24 का रूट ओपन नहीं होता इजीली। तो हम ऐसी वैल्यूज़ को करेंगे जिनमें हमारे पास इजीली जो है वो ओपन हो जा रहा है। अगर हम 2 पुट करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 25 माइनस 4 करेंगे 21 हो जाएगा, 21 भी इजीली रूट ओपन नहीं होता। अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 3 9 होता है और 25 माइनस 9 होता है 16, 25 माइनस 9 होता है 16, तो 16 तो ओपन हो जाएगा रूट। तो हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 3 के बाद अगर हम 4 करते हैं, 4 4 होता है 16, 25 माइनस 16 करें तो 9 आ जाएगा, 9 3 का रूट ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर
फोर भी करेंगे और हम यहाँ पर फाइव भी पुट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से माइनस थ्री, माइनस फोर और माइनस फाइव। देखें अब हमारे पास इजीली जो है वो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, हमारे पास डेसिमल भी वैल्यूज़ नहीं आएंगी। अब मैं तमाम वैल्यूज़ को वन बाय वन पुट करूँगी और यहाँ पर वैल्यूज़ लिखती जाऊँगी। पुट अच्छा आपने लेट कर लेना है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई के, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फाइव, 25 माइनस माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, फाइव फाइव जाए 25, 25 माइनस 25 वाई आ गया ज़ीरो। इसी तरह से पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फोर, तो वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 माइनस माइनस फोर का स्क्वायर माइनस एज इट इज माइनस माइनस प्लस फोर, फोर जो 16, 25 माइनस 16 किया तो प्लस का 9, ये आपके पास वैल्यू आ गई, 9 ओपन हुआ तो 3। इसी तरह पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस एज इट इज 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया 25 माइनस 9 हो गया अंडर रूट 16, रूट ओपन हुआ या आ गई प्लस 4। इसी तरह से अब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो का स्क्वायर जो है वो ज़ीरो भी पुट कर लेते हैं, बाकी जो है आपके पास पॉजिटिव भी वही आएंगी जो नेगेटिव की आई। ट्वेंटी फाइव का रूट फाइव ओपन होता है, थ्री आएगी तो फोर आ जाएगी, फोर हो गया तो थ्री आ जाएगा, फाइव होगा तो ज़ीरो, क्योंकि यही वैल्यूज हैं जिसके आप प्लस फाइव पुट कर लें फाइव का स्क्वायर तब भी 25 ही होता है। आप चाहें तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लें और इस तरह से इसका भी ग्राफ आ जाएगा। अब दूसरे इक्वेजन का करेंगे, फिर इनके करेंगे ग्राफ को स्केच। दूसरी इक्वेजन को भी हम जो है वो एज सच इतना सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट एक नेगेटिव साइन है रूट के, वो भी बाहर। तो एक मैं आपको समझा दूंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वैल्यूज भी वही पुट करेंगे क्योंकि इक्वेजन सेम एज इट इज़ है, बस रूट के बाहर जो है वो है माइनस की साइन। तो अब ये इक्वेजन नंबर टू के लिए है, इक्वेजन नंबर टू है वाई इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अगर आप पुट करते हैं पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फाइव, तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस 25 माइनस माइनस फाइव का स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस 25 माइनस 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 प्लस 20, 5 5 जो 25, ठीक है। तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ज़ीरो। अब ज़ीरो की ना पॉजिटिव साइन ना नेगेटिव साइन, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पुट करेंगे एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फोर, तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस 25 माइनस माइनस फोर का स्क्वायर, 5 5 जो 25, 4 4 जो 16 माइनस माइनस हो गया प्लस, 25 माइनस 16 किया तो प्लस का 9। रूट में माइनस साइन ही इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, रूट बच्चे परेशान है माइनस साइन का, बट रूट के बाहर है, रूट के बाहर माइनस की साइन हो प्लस की साइन हो रूट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ से माइनस का आपके पास आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5। और जब ये वैल्यूज़ को करेंगे सिंप्लीफाई तो इनके लिए भी आपके पास आएगा माइनस का 4, माइनस का 3 और 0। अब क्यों आएगा देखिए मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, प्लस 4 का चले 3 का कर देते हैं, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 3 वाई इज इक्वल्स टू, तमाम के तमाम तो नहीं प्लॉट करेंगे टाइम वेस्ट है क्योंकि जब बात समझ आ सकती है
विदाउट पुट किए भी हुए ही, तो फिर क्यों इतना जो है वो टाइम को हम लें। तो यहाँ पे माइनस प्लस 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 ही रहेगा, 3 3 9, 25 माइनस 9 किया तो आपके पास आ गया 16 प्लस का रूट ओपन हुआ तो ये आ गया 4 आया माइनस का 4, 3 प्लस का तो माइनस का 4। तो ये वैल्यूज आ गई इसके लिए। अब दो ग्राफ प्लॉट होंगे आपके पास इस क्वेश्चन के, एक प्लस इक्वेशन 1 के लिए और एक इक्वेशन नंबर 2 के लिए। वन टू थ्री फोर फाइव। वैल्यू 0 से प्लस 5 और माइनस 5, और ये भी आपके पास मिनिमम ही है। 1 ये 0, 2 3 4, माइनस 1 एक्स की वैल्यू बल्कि 5 तक है। 1 2 3 4 वाई की वैल्यूज आपके पास ये भी 5 तक ही हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से हमें लेना पड़ेगा। अच्छा यहाँ आएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, यहाँ पर आ सकता है तो यहाँ पे कर लेते हैं प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। नाउ स्केलिंग करें तो ऑन एक्स एक्सिस 5 small box equals to 1 unit और on y axis 10 small box equals to 1 unit। ठीक है, 10 small box को 1 unit लिया, या 5 small box को 1 unit लिया। अब आपने values को करना, माइनस 5 पे 0 है, x की value है माइनस 5, y की value है 0। इसी तरह x की वैल्यू है माइनस 4 तो y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू है माइनस 4 y की वैल्यू है प्लस 3, माइनस 4 और ये प्लस 3। अगर x की वैल्यू है 5 सॉरी माइनस 3 y की वैल्यू है 4, माइनस 3 है तो y की वैल्यू है 4। अगर x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू है 5, अगर x की वैल्यू है 3 तो y की वैल्यू है 4। अगर x की वैल्यू है 4 तो y की वैल्यू है 3, अगर x की वैल्यू है 5 तो y की वैल्यू है 0।
सा हमें जो है वो गोलाई में लेना पड़ेगा ताकि क्योंकि इसका फोर पे थ्री पे कुछ इस तरह से आपके पास इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। जबकि और हम बुक में भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट का फंक्शन होगा तो आपके पास जो ग्राफ है वो किस तरह का होगा। आपके पास ग्राफ जो है वो स्क्वायर रूट फंक्शन का हाफ सर्किल होगा जो कि ओपन हो रहा होगा डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड ओपन हो रहा होगा अगर वैल्यू है पॉजिटिव, और अपवर्ड ओपन हो रहा होगा अगर आपके पास वैल्यू होगी नेगेटिव, यानी रूट होगा नेगेटिव में, ठीक है। यानी कि इसका बनेगा ये अपवर्ड और ये बनेगा डाउनवर्ड इस तरह। अगर हम यहाँ लेते 1 2 3 4 तो हमारा ग्राफ यूं करके इस तरह बनता, फिर वो प्रॉपर एक सर्किल लगता आपको, ठीक है। इसका चलें इस तरह से करेंगे कि इसकी वैल्यू को भी हम नज़दीक नज़दीक लेंगे ताकि पता रहे कि भाई किस कौन सा ज़्यादा बेहतर ग्राफ है, फिर उसी को प्रेफरेंस देंगे कि भाई यही आपने भी करना है। अगर एक एक्सिस पे आपने करी वैल्यूज ली हैं तो दूसरे एक्सिस पे भी आपने उसी स्केलिंग की वैल्यूज को कंसिडर करना है, वही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। प्लस 1 + 2 + 3 + 4 and + 5 - 1 - 2 - 3 - 4 and - 5 +1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 1 - 2 - 3 - 4 and - 5 पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस On x-axis, 5 small box equals to 1 unit. On y-axis, 5 small box equals to 1 unit. अब हमने ये वाला इस ग्राफ को प्लॉट करना है। -5 है तो x की वैल्यू -5 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -5 तो y की वैल्यू 0, ठीक है। अगर x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू -3, x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू -3, अगर x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू -4, अगर x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू है -5, 0 तो y की वैल्यू -5, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू है 4, +3 है तो -4, अगर x की वैल्यू 4 है प्लस का तो y की वैल्यू है -3, अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू है 0। बिल्कुल ये आपके पास बिल्कुल प्रॉपर एक हाफ सर्किल लग रहा है जो कि हमारा पीछे वाले क्वेश्चन का नहीं लग रहा था, तो आपने इसको भी जो है वो चेंज करके इस तरह से बना लेना है। ये मैंने वैल्यूज को इंटरचेंज कर लिया है, अब आपके पास इसका भी ग्राफ जो है वो हाफ सर्किल की जो है वो शक्ल में आ चुका है, ठीक है। ये था आपके पास y इज इक्वल्स टू -√25 - x² का ग्राफ। अच्छा ये पहला था, ये प्लस वाला है, ठीक है, जो कि अपवर्ड डाउनवर्ड है, और ये है y इज इक्वल्स टू, क्योंकि वो ओपन डाउनवर्ड होगा और जो नेगेटिव है वो आपके पास अपवर्ड जो है वो क्या होगा ओपन होगा।
अब देखिए ये अपवर्ड ओपन हो रहा है, ये माइनस का है, अपवर्ड ओपन होने वाला माइनस का होगा और जो डाउनवर्ड ओपन हो रहा होगा वो प्लस का ग्राफ होगा, यानी कि आपके पास रूट का जो आपके पास वैल्यू है उसका प्लस का। तो इस तरह से आपने ग्राफ को प्लॉट करना है। वो आपके पास स्केलिंग की वजह से जो है वो थोड़ी सी वैल्यूज फ्लक्चुएट कर रही थी, बट अब मैंने जो है वो प्रॉपर बना लिया। तो ये ग्राफ आपके पास आ गया एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट।